पृथ्वीराज चौहान, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हमारे देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वे जितने ही वीर और पराक्रम महारथी थे, उतने ही दयालु और क्षमाशील भी थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर 16 बार आक्रमण किया और पृथ्वीराज ने उसे 16 बार हराया और माफ करके छोड़ दिया। पर 17वीं बार जब गौरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज हार गए और गौरी ने उन्हें और उनके कविचंद बरदाई को बंदी बना लिया और उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां उन्हें कई यातनाएं दी। पृथ्वीराज की तो आंखें भी फोड़ दी और एक बार गौरी ने चंद्र बरदाई द्वारा पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण चलाने की कला के बारे में सुना तो उसने इसे अपने सामने आजमाने की बात कही और मौका देखते ही इस बार पृथ्वीराज ने चूक नहीं की। उन्होंने बाण ऐसा भेदा कि वह जाकर सीधे गौरी के सीने में जा और इसके तुरंत बाद ही पृथ्वीराज और उनके कवि ने आत्म बलिदान दे दिया।